प्रणाम देवी और सज्जन, कैसे लग रहा है हमारी ये जिंदगी प्रोग्राम? बहुत सारे व्यूअर्स, बहुत सारा कमेंट्स, लेकिन सुनना पड़ेगा। जिंदगी कहानी का नाम नहीं, जिंदगी एक इंसान की जन्म से मरण तक ये जो पूरा कहानी है, ये जिंदगी है। और ये पूरा जिंदगी को छोटा छोटा टुकड़ा करके एक एक एपिसोड बनाए हैं हमने आप लोगों के लिए। कुछ लोगों के पास कुछ है नहीं, तब भी वो दिखाते हैं, इसे कहते हैं दिखावा। खाते हैं दाल सब्जी, ढेक मारता है बिरयानी की, इसे है दिखावा। हमारे हर फैमिली में ऐसा आदमी है। मनी बैग में पैसा रहे या ना रहे, 20-50 कागज उसमें भरा है, जो पॉकेट में भर के वो रास्ते में चलेगा, लगेगा आपको लाड साहब का औलाद जा रहा है, दिखावा है। और ऐसे भी इंसान मैंने देखा है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ, थोड़ा सा भी दिखावा नहीं, वो है एक सच्चा इंसान। कभी कभी आपके मन में ये तो प्रश्न आते रहते हैं, सच्चा इंसान कौन है? इसे सच्चा इंसान कहते हैं जिनके पास बहुत कुछ होने से भी उनको देखकर महसूस भी नहीं होता कि इतने बड़ा आदमी है। हर समय संपत्ति की बात, एसेट की बात नहीं, संपद के बात नहीं, कभी कभी ज्ञान इतना ज्यादा होता है, वो भी बहुत बड़ा संपद है। और ज्ञान ऐसा एक लफ्ज है जो अगर आपके अंदर आ जाए, लाखों नहीं कई करोड़ों की संपद बन जाए। इसीलिए हम लोग कहते हैं, हमारे विचार कि जिन जिन का बच्चा है, बच्चे को संपत्ति मतलब संपद एसेट मत दो, मत दो। उसका हर मांग पूरी करना चाहिए, ये मत सोचिए पापा ये ला दो, पापा वो ला दो, पापा ये चाहिए, मत दीजिए। और ये भी सोच करें मेरा जो ये इतना बड़ा एसेट है सब लड़का को दे के जाऊं, नहीं। अपने बच्चे को संपद मत दीजिए, बच्चे को संपद बनाइए। बच्चे को एसेट मत दो, पैसा मत दो, आपका बच्चे को ऐसे बनाओ वही आपका चेक है, ऐसे बनाओ, तब आपका जिंदगी में खुशियां ही खुशियां, तब आप एक सच्चा इंसान बन पाएंगे। माइकल एंजेलो के नाम सुना है? एक जबरदस्त कहानी है, जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जो कहानी है बीच में आप हट नहीं सकते, सुनते रहिए। माइकल एंजेलो का नाम सभी आदमी सुना है, इतिहास में पढ़े हैं हम लोग। माइकल एंजेलो एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, पेंटिंग और कैप्स में, स्कल्पचर में। उसका एक एक पेंटिंग आज की डेट में कई करोड़ों दाम है। उसका बना हुआ स्टैचू आप लोगों ने देखा है, जिसका नाम है वेनस। अभी गूगल्स में जाइए, वेनस स्टैचू लिखिए, उस स्टैचू आ जाएगी। यहां से हाथ कटा हुआ एक मूर्ति है जो मेले पे भी छोटे छोटे अभी मिट्टी का बना हुआ बिकता है। तो वो बनाने के बाद वर्ल्ड फेमस हो गया था, इतना जानदार मूर्ति था ये स्टैचू था। मतलब देखकर लगता है कि कोई जिंदा है, पत्थर काट के बनाया, वो भी सफेद व्हाइट मार्बल से। तो ये वेनस स्टैचू बनाने के बाद चारों तरफ तो ढिंढोरा होगा एकदम, आज के जमाने में कहते हैं ना, आज के जमाने का बात है, वायरल हो गया। तो पूरा विश्व एकदम उसका चर्चे में, वाह वाह क्या बनाया, तौबा तौबा क्या बनाया। तो पूरा दुनिया से बहुत सारे न्यूज
चैनल से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, रिपोर्टर पूरा दौड़ के गया उनके घर में, सर 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 आई हैव टू नीड ए इंटरव्यू, आज तो आपको इंटरव्यू देना ही पड़ेगा क्योंकि पूरा विश्व में आपको ही लेके चर्चा हो रहा है मिस्टर माइकल एंजेलो। बहुत ठंडा दिमाग के आदमी थे, इंसान थे। बोला किस बात की इंटरव्यू? सर आप इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, कम से कम इनके नाते तो एक छोटा इंटरव्यू दे दीजिए। तो इंटरव्यू मेरा क्यों? क्योंकि आप बनाए हैं ये वेनस स्टैचू को। तो माइकल एंजेलो ने कहा, मैंने ये स्टैचू नहीं बनाया। क्या बोल रहे हैं सर, पूरा विश्व इसका चर्चे में है आज, और आप बोल रहे हैं कि आपने नहीं बनाया। सही बात कर रहा हूं, मैंने ये स्टैचू नहीं बनाया, और इसके लिए इतना चर्चा होने का कोई तो बात है ही नहीं। बोले सर, अभी भी आपका हाथ में छेनी हथौड़ा है, आप ये बना रहे थे, हम लोग देखा है कि आप खुद बनाते हैं ये। हाँ हम काम करते हैं, स्टैचू नहीं बनाते। बड़ा सा एक पत्थर लाते हैं और पत्थर में छेनी हथौड़ा से काट काट के खराब जो पत्थर है उसको फेंक देता हूं, काट के उसके अंदर से एक अच्छा मूर्ति निकल के बाहर आ जाते हैं। यही मेरा काम है, मैं तो स्टैचू नहीं बनाता हूं। ये तो हर इंसान कर सकता है, हर इंसान अपने से खुद को ऐसा स्टैचू बना सकता है, वर्ल्ड फेमस मतलब महापुरुष जैसा। आपका अंदर में जो खराब आदत है, ये आदत को फेंक डालिए, आप भी हमारे स्टैचू जैसा फेमस हो जाएंगे, महापुरुष बन जाएंगे। हम वैसा ही हर रोज एक पत्थर का चट्टान लाते हैं, उनमें से छेनी हथौड़ा से खराब पत्थर को काट के बाहर फेंक देता है, अच्छा पत्थर रह जाता है, वही मूर्ति बन जाता है। ये तो हर इंसान कर सकता है, आप भी काल से कोशिश कीजिए। आप में से जितना गलत आदत है उसको काट के फेंक दीजिए, आप 12 घंटे में महापुरुष बन सकते हैं। क्या सोच रहे हैं आप लोग? यही हकीकत है। अगर इंसान चाहे तो खुद को अच्छा इंसान बना सकते हैं। माइकल एंजेलो का तो ये कहानी था, तब भी ये सही कहानी था, लेकिन इंसान ये कहानी से कुछ लेता नहीं है, वो माइकल एंजेलो की कहानी में मशगूल हो जाते हैं। क्यों? कुछ लेने का कोशिश कीजिए, लेना चाहिए। आप नहीं लेंगे ये कहानी से तो कहानी का मतलब क्या? इसीलिए अहंकार, काम, क्रोध त्याग दो, ये है खराब आदतें। हर इंसान महापुरुष बनने का ताकत रखते हैं, लेकिन चाहते नहीं, उनके लिए त्याग की जरूरत होता है, त्याग नहीं देते, ये खराब बात है। खुद को अच्छा बनाने के लिए सोचना पड़ता है, रूटीन बनाना पड़ता है, अपने जिंदगी के लिए बनाओ। सुबह से उठ के रात तक क्या करने वाले हैं हम अगले दिन, वो रात को सोने से पहले रूटीन बना के सो जाइए, देखिए आपका जिंदगी बदलना चालू हो जाएगा, परिवर्तन। अपना जिंदगी की परिवर्तन करने के लिए सोचना पड़ता है, ये सोच जब तक आपके अंदर नहीं आएंगे कोई परिवर्तन संभव नहीं है। इसीलिए आइए, फोन कीजिए, मिलिए। इतना तो दावा से कह सकता हूं दावे से कि 10-15 मिनट बातें करने से आपका जिंदगी के एक पल तो कम से कम हम सुधर देंगे। आइए दोस्त मान के देखते रहिए जिंदगी, और भी बहुत सारे ऐसी
साइकोलॉजिकल टर्म्स और कहानी के साथ हम भी आपके साथ आएंगे। आज के लिए विदा लेते हैं दोस्त। नमस्कार, प्रणाम।